Good afternoon, students. Today I'm going to make you understand the fourth chapter of Geography of Social Studies of Class 6 and CERT. And name of the chapter is Maps. First of all, we'll see that what are the contents of this chapter. मतलब इस chapter में क्या study करने जा रहे हैं. Firstly, we'll study what is a map, then differences between map and a globe, then different types of maps, then components of map, and then a sketch and a plan. स्केच और प्लान के मतलब क्या होते हैं इसको भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ अ मैप. मैप क्या होता है? तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. मतलब एक फ्लैट सरफेस लाइक अ पीस ऑफ पेपर पे यदि विद द हेल्प ऑफ स्केल हम अर्थ के सरफेस की या अर्थ के सरफेस के किसी पार्ट की ड्राइंग करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसी ड्राइंग को बोला जाता है मैप. मतलब एक पीस ऑफ पेपर हम ले लेते हैं, उस पीस ऑफ पेपर पे हम ड्राइंग कर रहे हैं अर्थ के सरफेस की या अर्थ के सरफेस के किसी पार्ट की. तो इस ड्राइंग को जिसको हम कर रहे हैं ऑन अ प्लेन सरफेस और ऑन अ फ्लैट सरफेस और ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ स्केल तो इस ड्राइंग को बोला जाएगा मैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस क्या होता है? व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब कई सारे मैप्स को एक साथ अटैच कर देते हैं तो इस अटैचमेंट को बोलते हैं एटलस. फॉर एग्जांपल, दिस इज द वर्ल्ड मैप. इसमें अर्थ के सरफेस को दिखाया गया है. अर्थ के सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया गया है करा गया है. फ्लैट सरफेस क्या है? पीस ऑफ पेपर और उसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है आपको. इसमें अर्थ के किस सरफेस को दिखाया गया? सम कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये सारे कॉन्टिनेंट्स को दिखाए गए हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैप विच इज अ वर्ल्ड मैप. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. ग्लोब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं चैप्टर टू में ज्योग्राफी के, और मैप अभी स्टडी कर रहे हैं. दोनों में डिफरेंस जब मैं ग्लोब चैप्टर पढ़ा रहा था बताया था, इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. ये अर्थ का ट्रू मॉडल होता है, अर्थ का मिनिएचर होता है. बट मैप इज़ द फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ. अर्थ के किसी भी पार्ट का जो फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं मैप. अर्थ का पार्ट मतलब मैप पे आप किसी कंट्री को दिखा सकते हैं या कुछ कॉन्टिनेंट्स को दिखा सकते हैं. तो इस तरह जब हम दिखाते हैं कुछ कंट्रीज़ को या कुछ कॉन्टिनेंट्स को या किसी कंट्री को, कंट्री के स्टेट्स को ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को मैप बोलते हैं. और ग्लोब में क्या करते हैं, हम एंटायर अर्थ के मॉडल को दिखाते हैं. ग्लोब मतलब अर्थ का मिनिएचर होता है ग्लोब. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. जब भी ग्लोब आप देखे होंगे, एक स्टैंड होता है, उसमें अर्थ का स्ट्रक्चर बना होता है, तो पूरे अर्थ को एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. बट विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ मैप, पार्ट ऑफ अर्थ. आइदर वी कैन स्टडी सम कॉन्टिनेंट्स और सम कंट्रीज और सम स्टेट्स. मीन्स एंटायर अर्थ विच इज़ हैविंग जियोइड शेप, विच इज़ काइंड ऑफ स्फेरिकल शेप, और फ्लैट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मैप के थ्रू. तो फ्लैट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसीलिए अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है इसी कारण पूरे एंटायर अर्थ को हम दिखा नहीं सकते. बट ग्लोब तो अर्थ का एक मॉडल होता है, तो इसमें एंटायर अर्थ को हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिटेल स्टडी ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ. ग्लोब में पूरे अर्थ को दिखाया जाता है, इसीलिए ग्लोब में जो भी हम किसी स्मॉल एरिया का डिटेल स्टडी करना चाहते नहीं कर सकते. पूरे वर्ल्ड की हम ब्रीफ स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन किसी स्मॉल पार्ट की डिटेल स्टडी, जैसे किसी सिटी की, जैसे इलाहाबाद सिटी की डिटेल स्टडी हम करें तो ग्लोब में इलाहाबाद सिटी नहीं दिखेगा. ग्लोब में इंडिया और इंडिया के स्टेट्स दिखाए जा सकते हैं. इलाहाबाद जो सिटी है इसको दिखाया जा सकता है, बट इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यदि किसी स्मॉल एरिया की हमको चाहिए तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मैप. इट कैन बी यूज टू फॉर द डिटेल्ड स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ. अर्थ के किसी पार्ट की डिटेल स्टडी करना है, जैसे इंडिया की डिटेल्ड स्टडी करना है तो ग्लोब में नहीं हो सकता. ग्लोब में तो पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम ब्रीफ स्टडी कर सकते हैं. लेकिन डिटेल्ड स्टडी करना है किसी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की, किसी स्टेट की, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? वी विल हैव टू यूज़ मैप ऑफ दैट.
ये डिफरेंस हो गया। अब टाइप्स ऑफ मैप हमको स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप कितने तरह के होते हैं, जनरली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब एक एक करके देखेंगे क्या होते हैं फिजिकल मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप। दीज टाइप्स ऑफ मैप शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। ऐसे मैप जिसमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा, इस तरह के मैप को बोलते हैं फिजिकल मैप। और जो भी जो माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशन है, सबका रिलीफ मतलब ऊंचाई अलग अलग होती है। कुछ कुछ की रिलीफ ज़्यादा होती है, कुछ की रिलीफ कम होती है, इसीलिए इस तरह के मैप को रिलीफ मैप भी बोलते हैं। और इस फिजिकल मैप को यहाँ पर दिखाया गया, जैसे इंडिया का फिजिकल मैप आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मैप। सेकेंड टाइप ऑफ मैप इज़ पोलिटिकल मैप। वॉट इज़ अ पोलिटिकल मैप? पोलिटिकल मैप्स शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, विलेजेस एक्सेट्रा विद देयर बाउंड्रीज। ऐसा मैप जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ को या उनके स्टेट्स को या डिस्ट्रिक्ट्स को या सिटीज़ को या विलेजेस को उनकी बाउंड्री के साथ दिखाया जाता है, इस तरह के मैप को बोलते हैं पोलिटिकल मैप। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड या पोलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री और पोलिटिकल मैप ऑफ अ सिटी या पोलिटिकल मैप ऑफ अ विलेज। इसको अगले स्लाइड में एग्जाम्पल से दिखाया गया है, दिस इज़ द वर्ल्ड पोलिटिकल मैप। इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और उनके डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री के साथ दिखाया गया, इसको बोलते हैं वर्ल्ड पोलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप्स, दीज मैप्स फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। जो ऐसा मैप जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, इस तरह के मैप को बोलते हैं थीमेटिक मैप। जैसे कोई मैप है जिसमें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, या फॉरेस्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, इस तरह के मैप को बोलते हैं थीमेटिक मैप। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया विच इज़ शोइंग द रेनफॉल ऑफ इंडिया। इंडिया में रेनफॉल कहाँ, कितनी रेनफॉल होती है उसको दिखाया गया है। या वेजिटेशन मैप, एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक मैप, इसमें वेजिटेशन इंडिया में कौन कौन सी वेजिटेशन मतलब प्लांट्स और ट्रीज किन किन पार्ट्स में पाए जाते हैं उसको दिखाया गया है। मिक्स्ड फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, स्क्रब लैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट, ये डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे है उसको दिखाया गया है। तो ये वेजिटेशन मैप इज़ द एग्जांपल ऑफ थीमेटिक मैप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों को मैप में दिखाया जाता है। मैप, एनी मैप शोज थ्री थिंग्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल। मैप में तीन चीज़ें दिखाई जाती हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बल्स। इनको एक एक करके देखेंगे। वॉट इज डिस्टेंस? मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड ऑन अ पार्ट और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हम क्या करते हैं, जब मैप बनाते हैं तो वर्ल्ड जो कि बहुत बड़ा है, या कंट्री या स्टेट्स जो कि जिनका एरिया बहुत बड़ा होता है, उसको एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके शो करते हैं। तो होता क्या है कि मैप पे जो डिस्टेंस डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट विलेजेस के बीच में, या एनी टू सिटीज़ या एनी टू विलेजेस या एनी टू एरिया के बीच का जो डिस्टेंस मैप पे दिखाया रहता है, मैप पे दिखाते हैं हम, वो तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, मैप पे तो डिस्टेंस कम दिखता है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्केल। टू डू दिस रियलिस्टिकली मैप्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। मतलब क्या होता है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप। मैप पे जो डिस्टेंस होता है उसका और एक्चुअल डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्केल। जैसे किसी मैप पे लिखा है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, मतलब यदि किसी मैप पे ये लिखा है ये स्केल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैप पे यदि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो एक्चुअली में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई मैप बना हुआ है यूपी का, मान लीजिए मैप बना है और उस पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 55 किलोमीटर, ये स्केल, ठीक है। और इलाहाबाद, प्रयागराज और वाराणसी के बीच का डिस्टेंस यदि उस मैप पे आप स्केल से मेजर करते हैं 2 सेंटीमीटर आता है। तो स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 55 किलोमीटर, और मैप पे इलाहाबाद और वाराणसी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 55 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 55 इंटू 2 इक्वल्स टू 110 किलोमीटर। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस इलाहाबाद और वाराणसी के बीच का कितना होगा,
इलाहाबाद और वाराणसी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होगा 110 किलोमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर एक्चुअली, ये लिखा रहता है मैप पे। सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे, स्केल के बेसिस पे हम एक्चुअल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्केल हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस इन मैप। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल द मैप कैन बी क्लासिफाइड इन टू स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्केल के बेसिस पे दो तरह के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स आर कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर वी यूज स्मॉल स्केल मैप। जब हमको लार्ज एरियाज दिखाना होता है, कोई बड़े एरिया को मैप पे दिखाना होता है, तो उस केस में हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। लाइक यदि वर्ल्ड को हमको पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाना है, तो इसमें जो स्केल यूज़ करेंगे वो स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे। और लार्ज स्केल मैप, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और अ टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज़ लार्ज स्केल। उस स्केल में, लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉल एरिया दिखाते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप में हम लार्ज एरिया दिखाते हैं। जितना ही बड़ा एरिया हम मैप पे दिखाएंगे, उतनी कम इन्फॉर्मेशन शो कर पाएंगे, और जितना ही स्मॉल एरिया रहेगा उतनी ही ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में दे पाएंगे। सो दिस इज़ अनदर थिंग जो कि आपको याद रखना है, जब स्मॉल स्केल मैप रहेगा तो लार्ज एरिया हम शो करेंगे, और जब लार्ज स्केल मैप रहेगा तो स्मॉल एरिया हम शो करते हैं। इज दिस क्लियर? अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया कि स्मॉल स्केल मैप में हम लार्ज एरिया शो कर रहे हैं और लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया शो कर रहे हैं। जैसे कि लार्ज स्केल का एग्जांपल ये दिया गया है यहाँ पे, लार्ज स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज लार्ज स्केल, और यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर इज स्मॉल स्केल। मतलब ये हो गया लार्ज स्केल, और स्मॉल स्केल क्या दिया गया है, स्मॉल स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ये क्या दिख रहा है, स्मॉल स्केल, और ये लार्ज स्केल। यदि आप इसको स्टडी करें तो, मतलब इसको आप देखें, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर ये तो लार्ज है, तो लार्ज स्केल इसको होना चाहिए, इसको स्मॉल स्केल क्यों कहा जा रहा है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ये तो स्मॉल, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू स्मॉल एरिया 1 किलोमीटर दिखा रहे, तो ये तो स्मॉल स्केल होना चाहिए, इसको लार्ज स्केल क्यों कहा जा रहा है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले स्केल पे 100 किलोमीटर दिखाने के लिए आपको कितना, कितनी लंबी स्केल लेनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर लंबी स्केल, क्योंकि 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यदि ये वाली स्केल है तो इस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यदि 100 किलोमीटर आपको दिखाना हो तो क्या हो जाएगा, सिंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस वाले स्केल को, इस वाले स्केल को यदि स्केल पे मेजर करें तो 100 किलोमीटर दिखाने के लिए 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल चाहिए, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लंबी ही स्केल चाहिए। तो यहाँ पे स्केल क्या है, स्मॉल, तो ये स्मॉल स्केल हो गया। यहाँ पे स्केल लार्ज चाहिए तो ये क्या हो गया, लार्ज स्केल हो गया। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं। जैसे लार्ज स्मॉल स्केल मैप का एग्जाम्पल वर्ल्ड मैप था, वैसे लार्ज स्केल मैप का एग्जांपल है एक विलेज। विलेज एक छोटा एरिया है, तो छोटे एरिया को शो करने के लिए जो मैप बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्मॉल, लार्ज स्केल मैप। यहाँ पे देखिए स्केल नीचे दिखाया गया है, स्केल में लिखा गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब इस मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यदि स्केल से आप मेजर करते हैं तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस दिखाएगा, 10 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस वो शो कर रहा है। इज दिस क्लियर? उसके बाद मैप में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, दैट इज़ डायरेक्शंस। मैप में चार डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं, इन चारों मेन फोर डायरेक्शंस आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। और फोर अदर डायरेक्शंस आर आल्सो शोन इन मैप, दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और इनको शो करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंपास। कंपास को यूज़ करा जाता है इनको शो करने के लिए। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है इस कंपास में, और वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है, जैसे कि ये फोर जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
और ये कंपास है जिसको यूज़ करा जाता है डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। सिंबल्स आर थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ एनी मैप। किसी भी मैप का थर्ड कंपोनेंट होते हैं सिंबल्स। सर्टेन शेप्स, कलर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, लाइंस आर यूज इन मैप टू शो सम फीचर्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, ट्रीज, रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस को, रोड्स को, बिल्डिंग्स को, ट्री को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल्स मैप में दिखाए जाते हैं। देर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। ये सिंबल्स जो सिंबल इंडिया में बिल्डिंग्स को यूज़ करने के लिए, ट्री को यूज़ करने के लिए, रोड को यूज़ करने के लिए दिखाए जाएंगे, वही ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाए जाते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दी एंड दीज सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। जिन सिंबल्स को ऑल कंट्रीज वर्ल्ड के फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। इनमें से कुछ सिंबल्स ये हैं जैसे रेलवे लाइन्स, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को शो करने के लिए सिंबल होता है। मीटर गेज पहले चलती थी, पतली रेलवे लाइंस के बीच का गैप कम रहता था, 1 मीटर रहता था या 1000 मिलीमीटर रहता था। अब तो ये नहीं यूज़ हो रहा है। जब यूज़ होता था तो इसका सिंबल ये रहता था, रेलवे स्टेशन का ये सिंबल है। किसी भी कंट्री में मेटालिक पक्की रोड दिखाने के लिए सिंबल होता है, कच्ची रोड दिखाने का सिंबल ये होता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर शोन लाइक दिस, स्टेट बाउंड्रीज आर लाइक दिस एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर लाइक दिस। रिवर, दिस इज़ द सिंबल। वेल, दिस इज़ द सिंबल। टैंक, दिस इज़ द सिंबल। कैनल, दिस इज़ द सिंबल। ब्रिज सिंबल इज़ दिस वन। टेम्पल का सिंबल ये होता है, चर्च का सिंबल ये है, मॉस का ये है, छतरी का ये है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ पोस्ट ऑफिस। टेलीग्राफ का सिंबल ये होता है, पुलिस स्टेशन का दिस वन। सेटलमेंट मतलब जहाँ लोग रहते हैं, घर का सिंबल ये होता है। ग्रेवयार्ड कब्र, जहाँ बेरियल साइट्स होती हैं, लोगों को दफनाया जाता है, उसका सिंबल ये होता है। ट्रीज़ का ये होता है एंड ग्रासेस का ये। दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज इंटरनेशनली। नाउ स्केच एंड अ प्लान। स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है? अ रफ ड्राइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन मेमोरी विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। एग्जाम्पल, डायरेक्शन शोन द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस। जब कोई भी हम ड्राइंग करते हैं अपनी मेमोरी के बेसिस पे, याद करके, जैसे आप कहीं घूमने गए और वहाँ पे आपने सीनरी देखा, माउंटेन देखा, रिवर्स देखा, घर वापस आए और जो आपकी मेमोरी, जो आपको याद आ रहा है उसके बेसिस पे आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो इस तरह की ड्राइंग को स्केच बोलते हैं। या किसी ने आपके फ्रेंड का के घर का एड्रेस पूछा और बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ से आप चले जाइएगा सिविल लाइन्स, और सिविल लाइन से आप फिर चले जाइएगा मुंडेरा, मुंडेरा से आप चले जाइएगा प्रीतम नगर, प्रीतम नगर में आप कोई आप लोकेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे चले जाएगा। तो इस तरह से जो आप एक मेमोरी के बेसिस पे जो ड्राइंग पेपर पे ये सारी चीज़ें आप शो करके किसी को बता रहे हैं, तो इस तरह की ड्राइंग को स्केच बोलते हैं। व्हाट इज़ अ प्लान? प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। बहुत स्मॉल एरिया की जब ड्राइंग करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ऑब्वियसली वेरी स्मॉल एरिया तो स्केल क्या होगा, लार्ज होगा, तो इसको प्लान बोलते हैं। जैसे कोई अपार्टमेंट बनना है तो अपार्टमेंट बनाने से पहले उसका प्लान बनेगा, एक पीस ऑफ पेपर लिया जाएगा और उस पर ड्राइंग करी जाएगी स्केल के बेसिस पे कि अपार्टमेंट में कितने फ्लैट्स होंगे, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, ये सब चीज़ें जिस ड्राइंग में शो करा जाएगा इसे प्लान बोलेंगे। जैसे प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, प्लान ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल, अ प्लान ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ हॉस्पिटल। इट गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लान बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, मतलब जो भी प्लान है, जो भी बिल्डिंग है, स्कूल या हॉस्पिटल का प्लान है, उसमें रूम्स की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। दिस कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप बट इट कैन बी शोन इन अ ड्राइंग कॉल्ड प्लान। इसको मैप में शो नहीं करा जा सकता है, इसको एक अलग ड्राइंग में शो करा जाता है, जिसको प्लान बोलते हैं। जैसे ये स्केच का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें सुंदरपुर विलेज है और इसकी ड्राइंग करी गई कि कहाँ पे क्या कौन सी लोकेशन है। तो इस तरह जो है ये स्केच का एग्जांपल हो गया एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ए प्लान। ये प्लान का एक एग्जांपल दिया गया है, द नाइट्स स्कूल यहाँ पे है, कोई स्कूल है उसका नाम है द नाइट्स स्कूल, वहाँ का प्लान दिखाया गया है कि कहाँ पे स्टाफ कार पार्क है, कहाँ पे कार पार्किंग है, कार पार्क सी, कहाँ पे क्लासरूम है, कहाँ पे प्रिंसिपल्स रूम है, सारी चीज़ों को यहाँ पे, कहाँ पे साइंस रूम है, कहाँ पे मैथ्स रूम है, कहाँ पे इंग्लिश रूम है, ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। तो ये एग्जांपल हो गया प्लान का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।